हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम करेंगे प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है सिक्स्थ क्लास के लिए, इसका चैप्टर नंबर सिक्स का पार्ट फोर। इससे पहले हम इस चैप्टर की तीन वीडियोस कर चुके हैं और उनमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, और आज बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में और फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने किया था कि हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब हम किन को बोलते हैं। आज बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। बेसिकली ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उससे अलग होती हैं। देखिए क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव डिफरेंट नेम, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मॉडल्स। हाँ, हम इनको सिंपली मॉडल्स या मॉडल भी बोल सकते हैं, मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये 11 टाइप्स की होती हैं जो गिवन है यहाँ पर। कैन से कुड बनता है, मे और माइट, विल का वुड बनता है, शैल से शुड बनता है, मस्ट से ऑट टू और यूज्ड टू। देखिए, इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं, अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इनके यूज पे। अभी ये जानना जरूरी है कि मॉडल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर 11 टाइप्स के गिवन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम इनके यूज की थोड़ी सी एक झलक लेते हैं कि इनका यूज किस तरीके से होता है। देखिए, आई कैन रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पर कैन जो है इसने क्या किया, इस वर्ब से पहले लग करके इसका मीनिंग चेंज कर दिया। अब ये क्या दिखा रहा है, कैपेबिलिटी दिखा रहा है, आई की कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि आई क्या कर सकता है, पहुंच सकता है टॉप ऑफ द माउंटेन पे। यहाँ पर कुड का जो यूज है वो क्या है, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। देखिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है और इसके लिए किसका यूज हुआ है, मेन कुड का यूज हुआ है। इसके बाद द ट्रेन मे अराइव ऑन टाइम, यहाँ पर पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है क्या, मे, कि ट्रेन शायद टाइम पे आ सकती है। या मे कभी कभी विश दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे हम बर्थडे विश करते हैं ना, तब बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो हम ये विश शो करता है यहाँ पर मे, कभी कभी पॉसिबिलिटी और कभी कभी मे जो है वो विश को शो करता है, मे यू लिव लॉन्ग, कि काश आप लंबे समय तक जियो, तो मे कभी कभी विश दिखाने के लिए भी यूज होता है। आई विल डू और डाई, देखिए यहाँ पर ये जो विल है इस ये किसको डिनोट करता है, डिटर्मिनेशन को, यानी कि आई बोलता है कि मैं या तो करूँगा या फिर मर जाऊँगा। यू शुड नॉट वॉच टीवी, सो यू शुड नॉट वॉच सो मच टीवी। यहाँ पर ये जो शुड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, एडवाइस दिखाने के लिए यूज हो रहा है कि तुमको ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए। तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, मस्ट है ये नेसेसिटी दिखाने के लिए यूज हो रहा है, यू मस्ट सी द डॉक्टर इमिडिएटली, तुमको डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। तो मस्ट जो है ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नेसेसिटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं। अभी यूज के बारे में ज़्यादा फोकस आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्वेश्चन ये बनता है कि एनसर्कल द मॉडल वर्ब्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो। यहाँ पर हमको जो मॉडल वर्ब्स गिवन है इन सेंटेंसेज में, उनको हमको क्या करना है, एनसर्कल करना है। तो देखिए, मे आई बोरो यूअर बुक फॉर अ वाइल, तो यहाँ पर मे जो है क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा। हमको इतना नहीं देखना है कि इसका इसमें सेंटेंस में क्या यूज है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें मॉडल वर्ब कौन से हैं। वुड यू लैंड मी योर बाइसाइकिल फॉर अ डे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आई कैन यूज अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर कैपेबिलिटी के लिए दिखाया था ना कैन, यहाँ पर इसका दूसरा यूज सामने निकल कर गया था, लेकिन अभी यूज के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पर कैन क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब्स हो जाएगा। यू मस्ट वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, यहाँ पर ये मस्ट आ गया, नेसेसिटी यहाँ पर दिखा रहा है मस्ट। वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर व्हेन इल, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा। इट मे रेन हैवीली टुनाइट, यहाँ पर मे आ जाएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये दिखा रहा है मे। शी माइट बी इन डेंजर, मे से ही माइट बनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, यहाँ पर कुड आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट दिखाने के लिए यहाँ पर लाया गया है कुड को। और नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, यू शुड नॉट प्ले अ लॉट ऑफ कंप्यूटर गेम्स, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा। इसके बाद लास्ट बचता है हमारा वन मस्ट वॉक डेली, तो मस्ट आ जाएगा। तो देखना कितना ईजी था, बस हमको ये टाइप्स याद रखने हैं इसके, एक दो बारी जब आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मॉडल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी क्लास के लिए नहीं, आने वाली आगे भी क्लासेस के लिए आपको मॉडल्स को सीखने की जरूरत है। तो आप अभी याद कर लेंगे तो आपको बाद में याद नहीं रखना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। देखिए,
बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. नोटिस द यूज ऑफ अंडरलाइन वर्ब्स. हरी जम्प्ड फ्रॉम द बस. द किड्स वर प्लेइंग इन द वाटर. शी वॉज वेटिंग फॉर हिम. आई रन फास्ट. इसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? फाइनाइट वर्ब्स हैं. कैसे हैं फाइनाइट वर्ब? क्या होती हैं फाइनाइट वर्ब? अभी हम देखते हैं कि क्या होती है. वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब. दे टेल अस अबाउट द टेंस और द वर्ब. आइदर दे आर इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. देखिए, ऐसी वर्ब जो हमको ये एहसास कराएं या ये बताएं कि ये जो घटना जो घटी है ये प्रेजेंट में घट रही है या फिर ये पास्ट में हुई है. जैसे जम्प्ड है, जम्प से पता चलता है ना कि ये पास्ट टेंस में है. हरी जम्प्ड फ्रॉम द बस, क्योंकि सेकंड या थर्ड फॉर्म किसके कब आती है? जब सेंटेंस क्या होता है? पास्ट में होता है. द किड्स वर प्लेइंग इन द वाटर. ये जो वर प्लेइंग है ये यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि जो बच्चे थे वो पूल में या पानी में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे. रहे थे इससे डिनोट होता हो रहा है ना, खेल रहे थे, वर प्लेइंग. तो ऐसी वर्ब जो हमको टेंस के बारे में बताती हैं कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट है या पास्ट है, वो कैसी हो जाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स हो जाती हैं. ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना है. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे. हरी जम्प्ड फ्रॉम द रनिंग बस. द किड्स वर प्लेइंग इन द वाटर व्हेन मदर केम इन. शी वॉज वेटिंग फॉर हिम व्हाइल ईटिंग. आई रैन सो फास्ट टू कैच हिम. अब ये जो वर्ड्स हैं जम्प्ड, वर प्लेइंग, वॉज, वेटिंग, रन, ये तो ऊपर से ही हैं. इन्हीं सेंटेंसेस को इसने आगे बढ़ा दिया है ये दिखा एज एन एग्जाम्पल, ये दिखाने के लिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है. अब ये जो वर्ड है, सेंटेंस नंबर वन ले लीजिए, हरी जम्प्ड फ्रॉम द रनिंग बस. ये जो रनिंग है ना, ये चेंज नहीं हो सकता. प्रेजेंट टेंस में भी ये रनिंग ही रहेगा, ये पास्ट टेंस में भी रनिंग ही रहेगा. और इवन यहाँ पर अगर हरी की जगह दे भी आ जाता, दे जम्प फ्रॉम द रनिंग बस, तो भी ऐसे ही रहता. हरी जम्प्स फ्रॉम द रनिंग बस, तो भी ऐसे ही रहता. शी जम्प्ड फ्रॉम द रनिंग बस, तो भी रनिंग ही रहता. तो ये क्या है कि जो रनिंग है ना, ये चेंज नहीं होगा. बेसिकली वर्ब ये जो नॉन फाइनाइट जो होती है ये चेंज नहीं होती है पर्सन के साथ या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग, कभी भी नहीं चेंज होती है ये हमेशा सेम रहती है. आगे देखते हैं. द किड्स वर प्लेइंग इन द वाटर व्हेन मदर केम इन. तो द किड्स की जगह अगर कुछ और होता या दे वर प्लेइंग भी होता, द दे वर प्लेइंग इन द वाटर व्हेन मदर केम इन, तो भी केम ही रहता. द किड वाज, अगर सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ द किड्स की जगह, द किड वाज आ जाता वर की जगह. देखिए चेंज हो रहा है ना, वाज की जगह वर आ गया, वर की जगह सॉरी वाज आ गया. प्लेइंग इन द वाटर व्हेन मदर केम इन, लेकिन केम फिर भी सेम ही रहेगा. अभी यहाँ पर हम क्वेश्चंस हैं, इनको जब हम करेंगे तो और भी अच्छे से हम इसको कर पाएंगे. इसके बाद देखिए ये है फोर्थ नंबर है, आई रैन फास्ट टू कैच हिम. तो रैन जो है ये हमको दिखा रहा है कि ये कौन से टेंस में है. रैन, रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रन, रैन होती है ना, रन, रैन, रन. और कभी भी सेकंड फॉर्म जो है किस में यूज होती है? हरदम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही यूज होती है, और कहीं पर भी सेकंड फॉर्म यूज ही नहीं होती है. तो ये रैन जो वर्ड है ये दिखा रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये कैसे टेंस में है? पास्ट टेंस में है. तो ये जो टू कैच है ये कभी भी चेंज नहीं होगा. आई की जगह अगर दे रैन भी होता ना, दे रैन फास्ट टू कैच हिम, तो भी ये चेंज नहीं होता. रैन चेंज हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से. अगर ये प्रेजेंट में होता तो क्या आ जाता? रन आ जाता. आई रन फास्ट टू कैच हिम, मैं उसको पकड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ता हूँ. तो ये इसकी हिंदी हो जाती. तो इस तरीके से है, रैन की जगह रन हो सकता है या कुछ और भी आ सकता है, लेकिन टू कैच हमेशा टू कैच ही रहेगा. तो इस तरीके की जो वर्ब्स होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं. यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स गिवन है, जैसे पूजा इंजॉयज स्विमिंग. तो ये जो स्विमिंग है ना, अगर पूजा की जगह शी होता, शी इंजॉयज स्विमिंग, तो भी यही होता. या अगर मैं इंजॉयज को अगर चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूँ, दे इंजॉय स्विमिंग. लेकिन स्विमिंग तो फिर भी देखिए सेम ही रहा ना, लेकिन इंजॉयड से इंजॉय हो गया. या फिर मैं शी इंजॉयड भी, ये भी मैं लिख सकता हूँ, या पूजा इंजॉयड स्विमिंग, तो ये भी ठीक है. लेकिन इंजॉय तो चेंज हो गया ना. तो इंजॉय जो वर्ड है ना, वो क्या बता रहा है कि ये कौन से टेंस में है. जैसे इंजॉयड आ जाएगा तो क्या है? पास्ट टेंस में है. वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, बस समझने के लिए. जैसे यहाँ पर इंजॉयज है तो ये प्रेजेंट टेंस है. यहाँ पर अगर मैं इंजॉयड लिख दूँ तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा. तो इस तरीके से है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का जो कंसेप्ट है. या यहाँ पर अगर हम बात करें
करिश्मा ट्राइड टू हेल्प हिम, तो ये जो टू हेल्प है ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसमें सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए तो भी टू हेल्प ही रहेगा, करिश्मा की जगह दे भी कर लीजिए, दे ट्राइड टू हेल्प हिम, तो भी टू हेल्प ही रहेगा, या ट्राइड की जगह करिश्मा ट्राइज टू हेल्प हिम अगर हम करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ट्राइड तो चेंज हो गया ना, तो जो ट्राइड जो वर्ड है ये क्या है, फाइनाइट है, और जो चेंज नहीं होता वो क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप 2 मिनट में कर दोगे बिना मेरे करवाए ही। राइट वेदर अंडरलाइन, देखिए वर्ब्स भी अंडरलाइन करके उसने दे दिए हैं, वो भी हमारा काम आसान हो गया है, सिर्फ हमको ये बताना है कि ये जो है ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, निधि इज वर्किंग एट द मोमेंट, तो ये तो सिंपली चेंज कर सकते हैं हम इसको, निधि वाज वर्किंग अगर मोमेंट होता तो भी ठीक ही होता ना, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये जो इज जो है यहां पर ये एक टेंस को दिखा रहा है कि ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और ये चेंज हो जाएगा अगर सपोज कीजिए निधि की जगह मैं इसका सब्जेक्ट चेंज कर दूं, दे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दे आर वर्किंग एट द मोमेंट, इसकी जगह आर हमको यूज करना ही पड़ेगा, या फिर मैं अगर कुछ और कर दूं निधि वाज वर्किंग एट द मोमेंट, तो वो भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसकी जगह वाज आया ना तो ये चेंज हो गया, तो अगर जो चेंज हो जाती है वर्ब वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, या आप सिंपली यू कह लीजिए कि अगर कोई वर्ब टेंस को शो कर रही है कि वो कौन सा टेंस है तो वो क्या हो जाती है, फाइनाइट हो जाती है। नेक्स्ट है गरिमा प्रिटेंडेड टू हेल्प हर, ये कैसी हो जाएगी, ये भी फाइनाइट हो जाएगी, प्रिटेंडेड यहां पर टेंस को शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। दे लव डांसिंग, यहां पर अगर मैं दे की जगह आई भी कर दूं तो भी आई लव डांसिंग ही रहेगा, शी दे की जगह आई की जगह अगर शी कर दूं तो शी लव्स डांसिंग हो जाएगा, लेकिन डांसिंग फिर भी सेम ही रहेगा क्योंकि शी के साथ लव्स आता है, तो डांसिंग जो है चेंज नहीं होगा ना, तो अगर लव की जगह अगर मैं ये कर दूं दे लव्ड डांसिंग तो फिर भी डांसिंग ही रहेगा, लेकिन लव चेंज हो जाएगा, अगर लव के बारे में पूछा होता तो फाइनाइट होती, और डांसिंग पूछा है तो ये नॉन फाइनाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। आई होप कि अब आपको अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं फटाफट से करवा देता हूँ आपको। फाइंडिंग द गेट्स वाइडली ओपन द थीव्स वेंट इनसाइड, ये कैसी है, नॉन फाइनाइट है। इसके बाद क्या है, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो सिर्फ राइटिंग के बारे में पूछा है, इज इसने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, क्योंकि ऐसे भी ठीक होता है, और या फिर दे वर राइटिंग अ लेटर, वो भी ठीक होता, इज के बारे में अगर पूछा होता तो ये फाइनाइट हो जाती है, अब राइटिंग के बारे में पूछा है, या अगर इज राइटिंग पूरा पूछ लेता तो भी ये कैसी हो जाती, फाइनाइट हो जाती, लेकिन पूछा किसके बारे में, सिर्फ राइटिंग के बारे में, राइटिंग चेंज नहीं होगा, आप यहां पर चाहे शी की जगह ही कर लीजिए, दे कर लीजिए, इसकी जगह आर वर, राइटिंग सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट। ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल अलोन, टू के साथ जब कभी भी आता है 99% चांस कैसे है, वो कैसा मिलेगा, नॉन फाइनाइट मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स में ही बात करें तो यहाँ पर टू कैच हमने पढ़ा था, इसके बाद टू हेल्प हमने यहाँ पर नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल में पढ़ा था, ये भी नॉन फाइनाइट का ही एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर बात करें ही वॉन्ट्स टू ट्रेवल अलोन, तो टू के साथ आ रही है वर्ब, तो कैसी हो जाती है, नॉन फाइनाइट। हर बार नहीं, 100% नहीं कहता मैं, ज्यादातर केसेस में, और मैंने आपको वैसे भी रूल तो बता ही दिया है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि ये टेंस बता रही है या नहीं बता रही है, ये टेंस नहीं बता रही है, टेंस क्या बता रहा है इसमें, वॉन्ट्स बता रहा है। अगर मैं ही की जगह दे कर दूंगा तो सिंपली ये वांट वांट्स चेंज हो जाएगा, किसमें, वांट में, दे वांट टू ट्रेवल अलोन, तो वांट चेंज हो सकता है लेकिन टू ट्रेवल चेंज नहीं होगा। इसके बाद है क्रिस पार्टिसिपेट्स इन ऑल द कंपटीशन, क्रिस पार्टिसिपेट करता है सारे कंपटीशंस में, तो पार्टिसिपेट्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। शी एंजॉयज वॉकिंग विद पीपल, ये कैसी हो जाएगी, फाइनाइट। शी की जगह अगर मैं दे कर दूंगा तो सिंपली ये वर्ब चेंज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, दे इंजॉय जोकिंग विद द पीपल, अगर जोकिंग के बारे में बात की होती तो ये नॉन फाइनाइट हो जाता। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा हैज अ बिग कार, ये तो देखते ही पता चलता है ये कैसी है, फाइनाइट है। अगर मैं यहां पर अगर ये कह दू मिस्टर शर्मा हैड अ बिग कार तो ये सिंपली पास्ट में चला जाता, और ये हैज है तो ये किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो ऐसी चीजों को, ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। आई वॉन्ट टू वॉच डेट फिल्म, देखिए वैसे तो टू से भी पता चलता है, अंदाजा लग जाता है, और वैसे भी अगर हम इसका रूल से भी करके देखना चाहें तो भी ये कैसी ही नहीं मिलेगी हमको,
नॉन फाइनाइट मिलेगी, क्योंकि इसमें वांट जो है ये क्या है, फाइनाइट है। अगर मैं यहाँ पर शी वॉन्टेड या आई वॉन्टेड टू वॉच डेट फिल्म कर दूँ तो वो सेंटेंस भी गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, टू वॉच तो चेंज ही नहीं हुआ ना, तो जो चेंज नहीं होता उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेक श्योर कि अगर आपको अपना होमवर्क करने में हेल्प मिल रही है या आपकी इंग्लिश पहले से इम्प्रूव हो रही है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ में शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इसका एडवांटेज ले सकें, इसका बेनिफिट उनको मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।